सन्माननीय कमलाकर सर कृपया अपन खुर्ची आणायचे आहेत. कमलाकर सर कृपया आपल्याला विनंती आहे लवकर खुर्ची आणायचे आहेत. दरम्यान आपल्या आणि दोन्ही संघाचे 12वा खेळाडू कंपल्सरी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. पंढरपूर वेदांत 11 आपला राखीव खेळाडू पाठवा. पंचांचा इशारा आमच्याकडे येतोय. खेळ सुरू होण्यासाठी मात्र काहीच अवधी उरलेला आहे. दरम्यान आमच्या सर्व आयोजन कमिटी म्हणजे KCC चे या ठिकाणी परत स्वागत करूया. श्रुत संजय मोहिते, श्रुत रोहित धोत्रे, रियाज भाई भागवान, श्रुत कन्हैया काळे, संजय धोत्रे, सुनील मोहिते, सुनील धोत्रे, महेंद्र पवार, तसेच लखन धोत्रे, केरबा पवार, बंडू धोत्रे, संजय खडके, विजय मोहिते आणि योगेश देवकर, अमोल चौगुले आणि गुरुवर्य नाथा नाथ्याबा मोहिते आणि परमेश्वर धोत्रे साहेब. तो मैच की शुरुआत होने जा रही है. पहली गेंद लेकर भोला को गेंदबाजी करने के लिए बोला जाता बा. भोला गेंदबाजी करेंगे. सामने है किरण. नो स्ट्राइकिंग गेंद पे योगेश के लिए पहले ओवर की पहली गेंद लेकर हमसे दूर जाने के लिए ये थर्रार क्रिकेट था. चलो चलता हुआ KCC क्रिकेट क्लब का अच्छी गेंद. इस बार शॉर्ट गेंद थी. पीछे जाकर गेंद को कट करना चाहते थे. गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे गेंद चली. वहां पर खिलाड़ी को कुछ पता नहीं चला. जहां पर बड़े आराम के साथ एक से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था. लेकिन नो स्ट्राइकिंग बैट्समैन का कॉल आया. एक के जगह पे बैट्समैन ने दो रन दौड़े हैं. दो रन के साथ आज की दिन की रन बनाने की शुरुआत. कुल स्कोर केवल 2 रन की ओक पर. तो टॉस का बॉस है कि पंढरपुर क्रिकेट टीम के वेदांत क्रिकेट टीम पंढरपुर टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहां पर लिया जाता हुआ. फिर से गेंदबाजी करने के लिए भोला. वो स्लो रफ्तार से गेंद ऑनसेट में मारना चाहते थे. गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराने के बाद विकेट कीपर जाकर गेंद को फील करते हैं. रन लेने का कोई मौका नहीं. बिल्कुल ये आज के दिन का. लेकिन टूर्नामेंट के लिए अगर दूसरे क्रमांक की मैं इनाम की बात करना चाहूंगा तकरीबन 77,777 रुपए का प्राइस टूर्नामेंट के लिए रखा जा रहा है. एवा मैदान मध्ये इकडच्या बाजूला KCC ग्रुपचा जिथं बोर्ड लागलाय त्याच्या या बाजूला जे बसलेले आमचे दोघ तिघे मित्र आहेत त्यांना विनंती आहे. प्लीज आपण तिथं बसू नका. तिथून उठा प्लीज. फिर से बोला गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर हमसे दूर जाने के लिए और दूसरे क्रमांक के प्राइस देने के लिए माननीय श्री आदरणीय शशिकांत चौगले, विजय मोहिते, विजय अंकुश धोत्रे, भाऊ नरसाळे जरोळी, दिनेश देशमुख. इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी. टप्पा गिरने के बाद हल्की सी मोमेंट मिलती हुई गेंद को कट करती हुई गेंद विकेट कीपर जब आगे जब प्रेक्षक थामले फ्लडलाइट च्या खाली जे थांबलेले प्रेक्षक तुम्हाला विनंती असेल कृपया आपण येऊन तिथे शाळेच्या आत पटांगणात जाऊन बसायचं. तिकडे पायऱ्यावरही थोडस खालच्या बाजूला बसू नका प्लीज. वरच्या बाजूला जा तुम्ही कारण तिथपर्यंत प्लेयर पळत आले तर चेंडू सापडणार नाही तुमचे पाय खाली असल्यामुळं. ओ बहुत बढ़िया गेंद. इस बार गेंद के लाइन से चूके. गेंद जाकर स्टंप से टकराती. गेंद लगने वाला ये पहला झटका. बिल्कुल बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी. यहाँ पर गेंदबाज की ओर से की जा रही है. भोला कर रहे हैं टीम के लिए कमाल. यहाँ पर निश्चित ही यहाँ पर दिनेश देशमुख, प्रीतम चेने, डॉक्टर शंकर माली, दीपक ढोबड़े, महेश धोत्रे, कुमार पवार जोड़ी ये सब लोगों की वजह से दूसरे क्रमांक के लिए 77,777 रुपए का प्राइस टूर्नामेंट के लिए रखा जा रहा है और तीसरे क्रमांक की इनाम राशि है लगभग 55,555 रुपए का प्राइस. संस्थापक अध्यक्ष अभिछाया प्रतिष्ठान तथा उद्योगपति करकम माननीय अमोल दादा शेड़के इनकी ओर से तीसरे क्रमांक का प्राइस टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है. साथ ही साथ चौथे क्रमांक का प्राइस रुपए 33,333 रुपए SS कलेक्शन प्रोपराइटर संजीव कुमार मेहत्रे सर, मातोश्री मोबाइल शॉपी प्रोपराइटर सावता काले ये दोनों की ओर से तीसरे क्रमांक चौथे क्रमांक का इनाम टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है. इस दरमियान बघा आमचे माननीय श्री बाजीराव काळे साहेब आमचे बक्षीस दाते त्यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. सर स्वागत करूया. हॉटेल जगदंबाचे मालक माननीय श्री बाजीराव काळे साहेब. अच्छी गेंद. इस बार टप्पा गिरने के बाद फिर से हल्की सी कट होती गेंद. आउट कटर अंदाज की गेंद थी. टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद बैट्समैन को चकमा देती गेंद. बैट्समैन जो है गेंद से दूर से गेंद को खेलने की कोशिश में इस बार चकमा खा गए. नतीजा डॉट गेंद आ रही है. भोला बिल्कुल विश्वास भरी बॉलिंग कर रहे हैं, कंजूस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी कर रहे हैं. इस वक्त रन रोके जा रहे हैं भोला की ओर से. ये गेंद इस बार गेंद पैरों के पास आई. गेंद को स्वीप शॉट लगा दिया. गेंद आ रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग से. निकलती गेंद पहले बाउंस पर जाती हुई गेंद 4 रनों की लिया. देख के मौका मारा ना खूबसूरत चौका और आज के दिन का लगने वाला ये पहला चौका. यहाँ पर हा पहला चौका पहला मात्र स्कोरिंग शॉट
आतापर्यंत डॉट्स आणि विकेट पाहिल्या, रन्स पहिल्यांदाच आपण मैदानात पाहतोय. पहिला चावकार इथं मात्र आला, रन बनाने का सिलसिला सुरू झाला. पहिला षटक संपल्यानंतर मात्र धावा संख्या आहे एक गडी बाद आणि चार. तो राज सर, जैसे कि मैच एक तकरीबन जो खेला जा रहा, दोनों टीम को आप मेरे ख्याल से भले बात ही पहचानते होंगे. पंडरपुर टीम ने जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो उनके खिलाफ खेलते हुए अगर एक मजबूत चुनौती देने की, तो ये टोटल छह ओवर्स में कितने रन बना पाएंगे, जब जाके ये टारगेट मजबूत कहा जाएगा. चार रन. ठीक है, टोटल छह रन सिक्स रन करतील, टैली करतील, रिकाउंटिंग होईल आमचे दोन्ही स्कोरर ऑनलाइन ऑफलाइन. तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. प्रवीण अपने खुद के कोटि का बिल्कुल पहला, टीम की ओर से दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे. सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर वहां पर उपस्थित सर्व क्रिकेट प्रेमी से स्वागत योगेश के लिए. गेंद, पहली गेंद, खराब गेंद मिली यहां पर, आक्रामक प्रहार लगा दिया. गेंद जाती हुई स्कारलेट बाउंड्री के बाहर, कमर के ऊपर डायरेक्ट बीमर गेंद थी. बीमर गेंद पर यह जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, वागाची धार, होल लाइफ पार, धनकनी दनदनी सुपर पावर, दनदनी षटकार. कडक प्रहार आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा बीमर खूपच असा मात्र कमरेच्या वरची उंची आणि त्याचा पुरा फायदा फलंदाज योगेशने घेतला. मात्र क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे याची प्रचिती परत एकदा येते, कारण ग्रामीण भागातीलच खेळाडू काहीसा खराब खेळ करतात असं नाही, तर शहरी भागातील खेळाडूकडून असा खराब खेळ होऊ शकतो. नक्कीच ग्रामीण भागात सुद्धा तितकीच आपल्याला एक प्रकारे गुणवत्ता दिसते, तर शहरी भागामध्ये सुद्धा तशी गुणवत्ता दिसते. निश्चित या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचं कशा प्रकारचं टॅलेंट जन्माला येईल हे काही सांगता येत नाही, त्यामुळे ग्रामीण आणि शहर असा आपण नक्कीच फरक करू शकत नाही. तो इस बीच थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद के करीब आने का इंतजार किया बॉडी के, पीछे गेंद को खेला स्क्वायर लेग क्षेत्र में, निकलती गेंद सिंगल रन के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन. इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आई, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, पुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, फिर से और एक निकल रहा है जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए. तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पांडे बॉडी क्रिकेट टीम का स्कोर तेरी के साथ आगे बढ़ रहा है 20 रन की ऊपर, 20 रन. इस ओवर में धमाकेदार अंदाज की बल्लेबाजी चल रही है. सर फ्री हिट का विशेष फायदा नहीं उठवता आला या खेळाडूंना, मात्र फ्री हिट वर सिंगल निघाली, परंतु नो बॉल वरती षटकार जोरदार चुन्नी गोयल या संघाचे. आणि फिर से प्रवीण का थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ, बहुत अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद काफी नीचे रहती गेंद, बैट्समैन आड़े बल्ले से स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद जाकर बल्लेबाज के बदन से टकराई, अभी भी रुका हुआ स्कोर 20 रन की ओर पर, दूसरा और इस वक्त प्रगति पर है, जारी है वहां पर मैच खेलने के लिए. खासकर से सोलापुर से हरीश जी थोरा सर, उनके साथ में नागेश जी कोकरे सर, संदेश रोंगे, संभाजी के जैसे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर. दरम्यान इथं गणेश शिंदे अरणकर, त्याचबरोबर आमचे माननीय सोमनाथ राऊत राजपूत साहेब आणि माननीय श्रुत राजू सोनार साहेब, त्या ठिकाणी आगमन झालं, आपण स्वागत करूया. तसेच एम डी कन्स्ट्रक्शन महेश देशमुख, संतोष धोत्रे साहेब ग्रामपंचायत सदस्य, तसेच माननीय श्रुत राजाभाऊ महामुनी आणि सचिन अंकुश शिंदे साहेब, सर्वांचं परत एकदा स्वागत. सुरुवात तशी मात्र भंडार झालेली या ठिकाणी पांढरेवाडी संघाची, आणि याही संघाने अगदी ग्रामीण भागातला संघ आहे, छोट्याशा गावातला संघ आहे, वाडी आणि वस्त्यावरील या संघामध्ये खेळत मात्र भंडार फटकेबाजी पहिल्या मात्र काही पॉवर प्लेच्या दोन षटकात बघतोय आपण. इतक्यातच चेंडूची बॅटनं मात्र चेंडूची कड घेतली आणि स्क्वेअर थर्डमॅन बॅकफुट पॉईंटच्या मधून चेंडू सीमापार आर पार, हा अजून एक मात्र क्लासिक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. दरम्यान धावा झाल्या त्या 24 एक गडी बाद. तो राज सर निश्चित ही अभी जो चौका चला गया उसकी थोड़ी सी गलती फील्डर की है, मेरे ख्याल से फील्डर गेंद को नहीं पकड़ पाए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, जहां पर केवल सिंगल रन बनना चाहिए
वहां पर मिसफील की वजह से चार रन चले गए बढ़ता हुआ स्कोर 24 रनों की योग पर। ये गेंद फिर से इस बार बैटर स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन रनआउट का मौका हो सकता है, अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पा रहे जब तक कि थ्रो आता है अपने क्रीज में बैट्समैन पहुंच गए वहां पर। दरमियान सिंगल सह षटक संपला नहीं है सॉरी ये तो मात्र सौरभ सर दोनों स्टंप नीट कर रहे थे। सौरभ सर मेन स्टंप नीट कर मेन स्टंप अतर डॉट बॉल सह षटक संपत है आणि एकूण धाव अजून एक चेंडू या षटकामध्ये शिल्लक आहे तर एकूणच दुसरे षटक संपायचे अजून तर धावा झाल्या त्या 24 आणि एक गडी बाद। सन्माननीय सचिन अंकल शिंदे स्वागत करूया हमारे सहयोगी कमेंटेटर तथा पत्रकार सचिन अंकल शिंदे साहब का भी यहां पर अभी अभी शुभ आगमन होता हूं उनका मैं स्वागत करता हूं। चेंडू या मात्र तो नया और लेकर नितिन मेड़ा को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता हुआ नितिन मेड़ा एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी बड़ा नाम जैसे क्रिकेट की दुनिया हम कह सकते हैं कूल माइंडेड क्रिकेटर की तौर पर नितिन मेड़ा को पहचाना जाता है। नितिन मेड़ा इस वक्त गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए राइट हार्म रॉन विकेट से बॉलिंग करेंगे, सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर बैट्समैन योगेश किलिया। बहुत अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी आउटकटर अंदाज की गिनती गेंद बैट्समैन के बैट के बाजू से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद डाल गया। नितिन मेड़ा धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापस निकल रहे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। केसीसी क्रिकेट टीम का ये केसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संयोजन जो किया जाता हुआ बहुत बढ़िया गेंद टप्पा करने के बाद कांटा बदलती गेंद घूमती हुई गेंद बल्लेबाज को छकवा दे रही है विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। अभी भी रुका बस स्कोर वही पे केवल रन संख्या इस वक्त 24 रनों की योग पर। फिर से नितिन मेड़ा का एक चालाकी के साथ गेंदबाजी की जा रही है बल्लेबाज के मूवमेंट क्या चल रहे हैं ये देखकर सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे नितिन मेड़ा। सर मात्र आपल्या एकूणच स्पर्धेतील सांघिक बक्षिसाची चर्चा आपण केलेली आहे वैयक्तिक बक्षिसांबद्दल बोलूया दरम्यान नितीनचा हा चेंडू योगेशला अप्रतिम चेंडू तो टप्पा गिरने के बाद फिर से गेंद काटा बदल रही है घूम रही है गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है। बोलिए राज सर शून्य धावा मात्र तीन चेंडू वरती तीन लगातार डॉट आणि नितिन मेड़ा तसं पाहिलं तर रेग्युलर गोलंदाज आपण गोलंदाजी करताना यांना कधी पाहत नाही परंतु त्यांची दहशत मात्र बॅट्समन म्हणून आहे परंतु गोलंदाजी करताना इथं जबरदस्त स्विंग आणि जबरदस्त पेस उत्कृष्ट टप्पा नितिन मेड़ा खिलाड़ी बहुत बड़ा ज्याने मात्र लखन गोयल स्वर्गीय लखन गोयल म्हणूया तदनंतर महेश गोयल चुन्नी यांच्यानंतर मात्र पंढरपुराचं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप लांबवर नेलं खूप दूरवर नेलं खूप मोठ्या उंचीवर नेलं असा खेळाडू नितिन मेड़ा काही वर्ष नितिन सोबत त्याच्या भावाने गाजवली विजय उर्फ पल्लू परंतु नितिन मेड़ा ही रहा सबसे बड़ा चुनी गोयल सुद्धा या ठिकाणी आणि या सामन्याचं नाही आजच्या दिवसाचं मात्र पहिलं आणि स्पर्धेतलं दुसरं निर्धाव षटक आणि ते सुद्धा नितिन मेड़ा कडून। योगेश आपको याद होगा की इस टूर्नामेंट का पहला मेडल ओवर फेंका था वो खिलाड़ी थे इंटरनेशनल क्रिकेटर अयूब शेख जिन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मेडल ओवर फेंका है और एक किसी गेंदबाज ने मेरे ख्याल से मेडल ओवर फेंका है अविनाश रहास एसपी सर दूसरा गेंदबाज अविनाश जो कि मेरे ख्याल से खटाव से आया था सर त्याने आणि आता मात्र नितिन मेड़ा तर तिसरा निर्धाव षटक दरम्यान आता गोलंदाजीची धुरा सांभाळायला आणि गोलंदाजी मार्कवर दिसतोय तो गोलंदाज असेल परत एकदा मला वाटतं भोला भंगराव
वैसे भोला भी आज बढ़िया है चला। फिर से ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, थोड़ा सा पीछे जाकर गेंद को ऑन साइड में गेंद को प्लेस कर दिया। गेंदार ये बिल्कुल बैकवर्ड स्कोर लेग के क्षेत्र में, जब तक ही गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बीच सिंगल रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25 रन की योग पर चौथे ओवर की शुरुआत में। केसीसी ग्रुप च्या वतीने मात्र केसीसी चषक आणि पुन्हा एकदा सातव्या दिवशी ही अगदी नंबर वन लाइव चैनल ते मात्र टेनिस क्रिकेट जगता मधील टेनिस क्रिकेट डॉट इन यांच्या माध्यमातून आपण हे लाइव प्रक्षेपण बघतोय प्रत्येकाला अगदी या ठिकाणी काही जणांना पहा आपल्या कामातून आपल्या व्यापातून वेळ मिळत नाही आणि थंडीचाही मोठा मात्र या ठिकाणी अडथळा आणि थंडीचाही मोठा सामना करावा लागतो आणि त्यासाठी मात्र आमचा काही प्रेक्षक घरामध्ये बसूनही लाईव्हच्या माध्यमातून आणि आपल्या शहरापासून किंवा आपल्या गावापासून दूर असलेले क्रिकेट प्रेमी अगदी आपल्या मोबाईलवरती जसं की मुंबई पुणे असतील अगदी आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेरील टेनिस क्रिकेटपटू असतील। बीच गेंद को काफी आसमान में ऊंचा मारा, देखना खिलाड़ी गेंद के नीचे चले जा रहे, वहां पर बहुत खूबसूरत कैच, गेंद आसमान में चली गई थी, समय बहुत था, ज्यादा विकेट कीपर गिरी है, गेंद के नीचे जाने गिरी है। नितिन मेरा की मैं तारीफ करना चाहूंगा, फील्डिंग में निश्चित ही असंभव लगने वाला, मुश्किल लगने वाला कैच वहां पर पकड़ लिया, वहां पर विशाल बात झाला आणि अप्रतिम कैच नितिन मेढा। तो हमारे टेनिस डॉट इन चैनल के देखिए कैमरामैन की भी वर्क की मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंद इस वक्त आपको दिख सकती है मोबाइल पे कितनी ऊंची चली गई और उस गेंद को अपने कैमरे में कैच कर लिया, कैमरामैन की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। अप्रतिम टेनिस क्रिकेट डॉट इन से लाइव प्रक्षेपण अपन पाहतोय अगदी पहिल्या दिवसापासून अनुभवतोय आणि वेगळीच मजा मात्र या लाइव प्रक्षेपणातून मिळते आमच्या क्रिकेट प्रेमींना। काही क्रिकेट प्रेमी पहा या ठिकाणी सध्या आपण एन्जॉयमेंट बघतोय या सर्व आमच्या क्रिकेट चाहत्यांची, काही खेळाडू पण आहेत तिथं आणि नवनाथ माळी यांचा संघ दिसतोय, नवनाथ माळी यांचा संघ आहे आणि तो मात्र वीर हनुमान इलेवन पांढरेवाडी लखन बहुधा मैदानाकडे आलेला आहे, लखनची एंट्री झालेली आहे, लक्ष्मण भोसले फार जुना खेळाडू आहे। दरम्यान दोन फलंदाज बाद आणि धावसंख्या आहे ती मात्र 26, आमचे कॅमेरामन अगदी ड्रेसिंग रूम मध्ये कॅमेरा घेऊन गेले होते, त्यात आपण पाहिलं। बहुत बढ़िया गेंदी, टप्पा गेंदी के बाद फिर से भोला, भोला बिल्कुल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है, पहले ओवर भी बिल्कुल नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी की थी, केवल 6 ही रन खर्च किए थे पहले ओवर में, लेकिन इस ओवर में भोला ने अब तक 4 गेंदे फेंकी है जिसमें उन्होंने 1 विकेट मिली है। बिल्कुल फिर से भोला तैयार है इस ओवर की अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा गेंद के बाद काटा बदलती गेंद घूमती गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। आणि याच दरम्यान आमचे माननीय मुन्ना राजे मोरे याराना ग्रुप त्यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, सहर्ष स्वागत करूया माननीय श्री मुन्ना राजे मोरे, वेलकम सरपंच ग्रामपंचायत 22। दरम्यान 26 धावा 2 गडी बाद आणि 4 षटकाच्या खेळानंतर तो यहाँ पर मैच देखने के लिए निश्चित ही जिन्होंने एमसीसी क्रिकेट टीम का जो टूर्नामेंट जो रखी थी नाइट टूर्नामेंट जिसका आयोजन संयोजन जिनके नेतृत्व में किया गया था सुभाष सवान, ये भी यहाँ पर आया, उनके बंधु भी उनके साथ है, किशोर बहु है, सब जन है, सबका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। नवीन गोलंदाज या ठिकाणी सौरभ, तो निश्चित ही चाहे लेदर बॉल हो चाहे टेनिस बॉल हो जिसमें हंगामा करने वाले खिलाड़ी के तौर पर सौरभ भारली को पहचाना जाता, चोट आई थी हाल ही के मैच में, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में तेज तर्रार स्ट्रोक खेला, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, बहुत खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, जितना अच्छा स्ट्रोक लगा उतनी बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता था 27 रन। राज सर जबकि सर्कल जब चल रहा था तो रन ज्यादा बरस रहे थे, जैसे सर्कल खत्म हुआ बिल्कुल रन कम बन रहे यहाँ पर। फिर से गेंदबाज तैयार है, यॉर्कर लेन गेंद इस बार गेंद को खेला अपने ही फल्टर में, गेंदबाज ने जाकर गेंद को फील कर लिया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तो सौरभ भारले गेंदबाजी करने के लिए धीरे धीरे फिर से बॉलिंग बोर्च पे वापिस चले जा रहे ईश्वर की, बिल्कुल तीसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे, सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर लक्ष्मण के लिए, दौड़ना शुरू कर दिया ये गेंद,
और इस बार गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद के करीब चले गए और आज के दिन का सबसे सेंसिबल स्ट्रोक निकलता हुआ। क्या कर्रार अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, मानो कि जिस तरह से गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लिख दी चार रन की। छत्रपति का धावा, बल्लेदार मार लिया दंदनी चार धावा। लखन 1-4, 4-1, माय नेम इज लखन। शॉर्ट अप लास्ट फोर एंड 4.3 ओवर्स। वंस अगेन दैट इज अ गुड शॉट, स्क्वायरिश कट टुवर्ड्स द कवर, बैट्समैन सर ऑनेस्ट एंड दैट इज नो बॉल आल्सो। टू रन्स डिक्लेरेशन, दैट वाज नॉट नो बॉल कॉल बट टू रन सिग्नलिंग, अंपायर मिस्टेक। पीके, इट्स पीके द ग्रैंडफादर, यस। पंच आता दोन धावा आहेत फक्त मला वाटतं, ओके दोन धावांनी धावसंख्या मात्र या ठिकाणी एसपी सर 33 झाली, 33। पुढील चेंडू आहे, मारना चाहते थे एज लगा वापर, ये आसान सा डॉली कैच वापर, विकेट कीपर के पीछे छूटता हुआ वापर। नतीजा बैट्समैन के लिए एक रन लेने का मौका देखना, दूसरे की गुंजाइश लेना चाहते थे और आखिरकार दोनों बल्लेबाजों के बीच में सही अंडरस्टैंड नहीं नजर आ रहा है, यानी कि खराब कॉल की वजह से रन लेना चाहते थे नहीं लेना चाहते थे, इसमें जो गड़बड़ी हुई उसका नतीजा बैट्समैन का विकेट जा रहा है वहां पर। अगदी ताळमेळचा अभाव दिसला दोन्ही फलंदाजांनी, तसं पाहिलं तर नॉन स्ट्रायकर योगेश काहीसे अनइंटरेस्टेड दिसले या दुसऱ्या धावेसाठी, तरी पण लक्ष्मणचा कॉल स्वीकारला परंतु बाद व्हावं लागले हे लागणार आहे हे त्यांनाही अगदी कळून चुकलेलं होतं असं काहीसं दिसलं। दरम्यान तीन फलंदाज बाद, पाचवं षटक आणि धावा झाल्या पांढरवेडी संघाच्या त्या 34। तो राज सर, इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें विशेष सहकार्य जो मिल रहा है, इन लोगों का सहकार्य हम भूल नहीं सकते क्योंकि इनके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा है। तो माननीय संतोष भाऊ धोत्रे, ग्राम पंचायत सदस्य करकम, माननीय चैतन्य फर्निचर, एस एन सिनेमा प्रोप्राइटर इदाते बंधु, जगताप हॉस्पिटल डॉक्टर श्री पांडुरंग जगताप, एडवोकेट श्री शरदचंद्र पांडे सरपंच करकम, श्री रघुनाथ जाधव साहेब सेवानिवृत्त उपाधीक्षक पोलीस, बाळू अण्णा बेवारे ग्राम पंचायत सदस्य करकम, राज मोबाईल शॉपी प्रोप्रायटर राजू देशमुख, कुणाल कंस्ट्रक्शन प्रोप्रायटर सचिन अंकुश शिंदे, जयवंत पेट्रोल पंप प्रोप्रायटर काशित बंधु, अभिजीत कवड़े सरपंच बरडी। इस बार गेंद को मारने की कोशिश देख रहा है, ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ, फील्डर कोशिश कर रहा है गेंद को रोकने के लिए लेकिन तेज रफ्तार से निकलती गेंद थर्ड बैट बॉर्डर की दिशा में जा रही है। दो तो पूरे हो रहे दिख रहा है, दो रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 35-35 रन की यॉक पर। बोला सहकार लाभला ते माननीय राहुल दादा शिंगटे, त्याचबरोबर देवकोदे चाइल्ड आणि क्लिनिक डॉक्टर ओजे श्रीकांत देवकोदे, बंडू मोहन मंजारी दास टिबक, 36 रन आफ्टर 5 ओवर कंप्लीट। महेंद्र बालकृष्ण शिंदे ग्राम माजी ग्राम पंचायत सदस्य करकम, MD कंस्ट्रक्शन श्री महेश हरिभाऊ देशमुख। पांढरेवाडीकर थोडस मात्र मैदानात उभा राहिलेले आहेत, पांढरेवाडी नवनाथ माळी अँड कंपनी प्लीज आपण थोडस वरती सरा किंवा पलीकडच्या बाजूला बघा, कारण बा तिथं जर चेंडू आला आणि खेळाडूंना अडथळा आला तर वाद होऊ शकतो, हे बा पेनल्टी असेल असं काही मैदानात उभा राहू नका, आपण पायऱ्याच्या वरती बसा, वरती कट्ट्यावर उभा राहिले तरी चालेल, वरांड्यामध्ये आपण असं मैदानात उभा राहू नका। नवनाथ माळी अँड कंपनी प्लीज, वीर हनुमान पांढरेवाडी। स्टेपे पोलीस निरीक्षक PI मुंबई, बाळासाहेब जाधव PI नांदेड, श्री अनिल चव्हाण AC रोड लाईन्स, नंदकुमार दशरथ व्यापारे माजी ग्राम पंचायत सदस्य करकम, सुहिल चंद्रकांत शहा सद्गुरु डेरी समाधान शेळके। तो नया ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, वहां पर बॉलर है ज्ञानेश्वर दुदाने, नंद ब्रह्म फाउंडेशन, श्री विट्ठल राजपूत, विट्ठल फ्रूट, BK टेलर्स। सबकी गेंद इस बार गेंद टप्पा करने के बाद काफी ऊंची उठती गेंद, अंपायर ने नो बॉल का डिसीजन दे दिया, फ्री हिट का मौका होगा अगली गेंद पर और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन की यॉक पर। हमें जो विशेष सहकार्य मिल रहा है कैलाशवासी विकास सरवदे, इनके स्मरणार्थ में आकाश सरवदे, सचिन खंदारे, कुमार धोत्रे, गणेश शिंदे अरनकर, डॉक्टर श्री प्रशांत कुमार मोरे, डॉक्टर सचिन लौटे, डॉक्टर श्री प्रभाकर दीपक दांडेकर, श्री राजू महामुनी, धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, डॉक्टर प्रदीप देशमुख, आदिनाथ देवकदे सर, दत्तात्रय इदाते, श्री नीरज वंजारी,
सोनाली ज्वेलर्स रीत का सुनहरा मौका ये गेंद पटकी भी गेंद फिर से इस बार गेंद को मारा गेंद जा रही है ऑन साइड में निकलती गेंद लॉन्ग ऑन सी बार की दिशा में गेंद जा रही है जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते थ्रो आता विकेट कीपर एंड पे दो रन बनाने का मौका मिलता हुआ और ये शायद विकेट जाता हुआ यहाँ पर नो बॉल प्लस वन रहने की कुल मिलाकर रन मिले हैं दो रन और दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 39 रनों की ओर पर और टूर्नामेंट के लिए विशेष सहकार्य में निश्चित ही सोनाली ज्वेलर्स के बाद हम किरण गाड़गे सिद्धनाथ ज्वेलर्स प्रोपराइटर दीपक जादव श्रद्धा ट्रेडर्स सुभाष राजपूत समाधान देशमुख मिट्टल मेडिकल कैलाशवासी दत्तात्रेय खारे प्रतिष्ठान श्री सत्रे सर रमेश खारे सर श्री सचिन अंकल शिंदे राजू धाईगोड़े आबा साहेब भोसले बिपिन भोसले मयूर वागज संतोष मेडिकल श्री विष्णु देशमुख दत्तात्रेय वापरकर हॉटेल विटाई पहलवान श्री रामा सलगर अजित सिंह देशमुख श्री दत्ता गुंजाल और रमेश गुड़साड़े संजय दुदाने कैलाशवासी रामन जमदाड़े भीमराव काटकर राहुल काले बंडू शिंदे जावेद मोलानी सूरज माली मयूर गवाने पुलिस जालिंदर शिंदे और जनाब राजू काजी इनका भी हमें कीमती और महत्वपूर्ण सहकार टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है। तो राज सर अगर इंडिविजुअल प्राइस की हम तरफ जाएंगे ये गेंद शॉर्टपिच गेंद फिर से मारना चाहते गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद इस बार पहली गेंद काफी अच्छी गिर रही है इस ओवर में फाइनल मैच में बनती मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए साइकिल तथा चषक आकाश कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर तानाजी धोत्रे साहब की ओर से दिया जाता था प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच के लिए। फिर से बॉलिंग करने के लिए प्रणव राइट हम राउंड विकेट से फिर से आगे जाकर गेंद को मारना चाहते गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल रेंजर साइकिल और चषक दिया जा रहा है कैलाशवासी राजा भाऊ शिवाजी धोत्रे इनके स्मरणार्थ में संजय जी धोत्रे इनकी ओर से इनाम दिया जाता हुआ और टूर्नामेंट की रन मशीन यानी कि बेस्ट बल्लेबाज जिसे इनाम मिलेगा 3300 रुपए के इनाम और चषक बालाजी कंस्ट्रक्शन श्री नात्याबा मोहिती साहब हमारे टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान इनकी ओर से। ये गेंद सप्ती गेंद आई फिर से मारना चाहते फिर से गेंद बल्लेबाज को बार बार बीट हो रही है गेंद टूर्नामेंट का आग का गोला लेके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए 3300 रुपए और चषक शिवानी कंस्ट्रक्शन श्री सुनील मोहिते इनकी ओर से और टूर्नामेंट के बेहतर फील्डर के लिए 3300 रुपए का प्राइस। फिर से बढ़िया गेंद फिर से वाह लाजवाब गेंदबाजी हम्पर की उंगली आसमान की ओर जा रही है फिर से बैट्समैन का विकेट जाता है यहां पर बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है इस वक्त बिल्कुल बैट्समैन को रोकने वाली गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए महेंद्र पवार मनसे जिला उपाध्यक्ष इनकी ओर से इनाम दिया जाता है 3300 रुपए का। टूर्नामेंट का जलद आलोचक जिसके लिए 3300 रुपए का प्राइस और चषक श्री दत्तपीठ उद्योग सुनील भाऊ धोत्रे इनकी ओर से लगातार 3 छक्के के लिए फाइनल के लिए।
दरम्यान चेंडू मध्ये छत्तीस चेंडू 40 धावा डीजेवाले बाबू थोडस जरा समालोचन कक्षेकडे या, थोडस माईक कडे या डीजेवाले बाबू. 36 चेंडू 40 धावा असं समीकरण, 40 धावाची गरज असेल ती मात्र पंढरपूर संघाला जिंकायला. चला पंढरपूरकर सलामीची जोडी मैदानात पाठवा प्लीज. आपल्या स्पर्धेमध्ये मात्र आकर्षक पारितोषिक ती मात्र वैयक्तिक अशी. फायनल सामन्यामध्ये मॅन ऑफ मॅच सायकल आणि आकर्षक केसीसी चषक आकाश कन्स्ट्रक्शन श्री तानाजी धोत्रे यांच्याकडून जे प्राइज असेल मॅन ऑफ दी सिरीज, याच्याकरता ही एक आकर्षक सायकल असेल आणि स्पोर्ट्स सायकल असेल आणि जोडीला चषक असेल त्याला सुची राजाभाऊ शिवाजी धोत्रे यांच्या स्मरणार्थ श्री संजय धोत्रे यांच्या वतीने. तर उत्कृष्ट फलंदाज 3300 रुपयाचं प्राईज असेल आणि जोडीला केसीसी चषक सुद्धा असेल. बालाजी कन्स्ट्रक्शन श्री नाथ्याबा मोहिते यांच्या वतीने उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी 3300 रुपयाचं प्राईज असेल. शिवानी कन्स्ट्रक्शन्स श्री सुनील मोहिते यांच्या वतीने उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक 3300 बक्षीस आणि जोडीला परत एकदा आकर्षक छोटा असा केसीसी चषक असेल. शिवानी कन्स्ट्रक्शन श्री जी शिवानी कन्स्ट्रक्शन श्री सुनील मोहिते यांचं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाला सुद्धा 3300 रुपये आणि चषक असेल श्री महेंद्र पवार मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष. चला डीजेवाले बाबू जरा समालोचन कक्षाकडे या. डीजेवाले बाबू मंडप कॉन्ट्रॅक्टर साऊंड सिस्टम जरा समालोचन कक्षाकडे या. प्रोप्रायटर ऑपरेटर ऑफ मंडप सिस्टम अँड साऊंड सिस्टम लवकर या. चला मीची जोडी मैदानात आलेली आहे. दरम्यान जलद अर्धशतक 3300 श्री दत्तपीठ उद्योग श्री सुनील भाऊ धोत्रे 3 षटकार फायनल सामना 3300 बक्षीस आणि चषक तर जगदंबा कॉटेज श्री बाजीराव नाना काळे बाजीराव उर्फ नाना काळे उत्कृष्ट झेल 3300 व ते मात्र श्री विष्णू मोहिते उर्फ लारा यांच्या वतीने आणि 3300 बक्षीस आणि चषक श्री श्रीयुत मुकुंद पेटकर यांच्या वतीने बक्षीस आहे. तर अशा पद्धतीनं वैयक्तिक पारितोषिक. चला स्ट्रायकिंग एंडवरती चुन्नी गोयल नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती कोण पल्लू उर्फ विजय चला साऊंड सिस्टमचे प्रोप्रायटर ऑपरेटर जरा समालोचन कक्षाकडे या. साऊंड सिस्टम आहेत का? हेलो जीत के लिए बिल्कुल 40 रन का जो आसान टारगेट दिया इस टारगेट का पीछा करने के लिए. सामना सर सोलापुर विरुद्ध मोडनीम. चला धोनी कैप्टन ने टॉस साइड वाइड कॉल आला. बॉल चे सहकार्य ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी झालेले ते मात्र श्री सोमनाथ राजपूत मुंबई पोलीस. सामन्याचा आनंद या ठिकाणी घेत आहे आणि त्यांच्या शुभ असते या ठिकाणी. हा टॉस असेल बघूया. टॉस का बॉस कार्यक्रम आपल्याला थोड्याच वेळात घ्यायचा आहे. चाळीस धावांची गरज सामना जिंकायला. हॅलो
तो चुन्नी गोयल के लिए गेंदबाज तैयार है इस वक्त बॉलिंग करने के लिए नौनाथ के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई, पीछे चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लपेट लिया और ये गेंद जाती है स्क्वायर लेग सी बारी का पार करती गेंद, पहले बाउंस पर निकल रही है गेंद, चार रन के लिए। दैट इज आल्सो थ्रो नो बॉल। तर या अगोदर तब्बल आपल्या स्पर्धेमध्ये यापूर्वी आपल्या स्पर्धेमध्ये माझ्या मते किमान 8 ते 9 गोलंदाज हे मात्र बॅन केलेले आहेत असे मात्र पंच मैदानात। आणि परवा इंडीजच्या संघातील जो सिद्धू गोलंदाज होता कॅप्टन सिद्धू त्यांनी नोबॉल करताना पकडलेलं होतं, नोबॉल त्या ठिकाणी पनिशमेंट दिलेलं होतं आमचे पंच ग्रँडफादर मिस्टर पीके। तर आताही या ठिकाणी नोबॉल डिक्लेअर केलेला आहे। एकूणच मला वाटतं हे 10वे गोलंदाज आज जे आपल्या स्पर्धेमध्ये बॅन केले जात आहेत आणि फ्री हिट आलाय तर आपल्या स्पर्धेत उत्कृष्ट पंचगिरी। फ्री हिटचा विशेष फायदा नाही उचलताला चुन्नी गोयल, थोडासा मात्र चुन्नी गोयल यांच्या खेळामध्ये नक्कीच पूर्वी 7 ते 8 वर्षापूर्वीचे चुन्नी गोयल आणि आजचे चुन्नी गोयल याच्यामध्ये बराचसा फरक जाणवतो, परंतु चुन्नी गोयल इज चुन्नी गोयल, त्यांची मात्र बराबरी दुसरं कोणी करू शकत नाही किंवा दुसरे चुन्नी गोयल होणं हे सुद्धा खूप अवघड आहे। दरम्यान पॅडल स्विप करायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला, चेंडू मात्र या ठिकाणी शरीराव लागला, लेग बायचा करार पंचांचा आलाय, धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र या ठिकाणी 9। आणि आपण आमचे पंच पीकेंच्या पंचगिरीबद्दल बोलत होतो, परवाचा जो आपण सिद्धून नो बॉल दिलेला सरांनी पाहिलेला होता, पनिशमेंट दिलेला पाहिला होता, पुणे जिल्हा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अगदी ते पंच ज्यांच्या पंचगिरीमुळे अगदी आपण बघितलं की फेकी गोलंदाजी टेनिस क्रिकेटमधून हद्दपार झालेली आहे आणि अशा पंचांना आपण तो जो फेकीचा चेंडू होता त्याची क्लिप काढून सरांना पाठवली होती, सर बोलले अतिशय मोठा फेकर अशा पद्धतीची गोलंदाजी यांनी केलेली आहे, हा फारच मोठा फेकीचा चेंडू आहे, तर याला सरांनी जे पनिशमेंट दिलंय ते अप्रतिम आहे, नक्कीच सरांची कामगिरी चांगली आहे अप्रतिम आहे। तू सर म्हटले लहान फेकी बॉल नसून खूप मोठा फेकी बॉल आहे नो बॉल, इथं डाऊन द विकेट आय थिंक विकेटच्या खाली टाकला म्हणून नो बॉल आलाय। तर फ्री हिट असेल, एकूण धावा झाल्या 10 आणि नाबाद 10। सध्या चुन्नी गोयल आणि सोबत असेल चुन्नीच्या तो पल्लू मेढा उर्फ विजय। ओ हा सुद्धा परत नो बॉल, सलग 3 षटकारांसाठी राजाभाऊ झांबरे। हॅलो हॅलो हॅलो, तो फिर से गेंद को खेला, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, मिडॉन क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक ही रन लेने का मौका मिला और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता, पर रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 11 रनों की योग पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए नवनाथ, थोड़ा सा लंबा ओवर चलता हुआ और प्रत्येक षटकारासाठी सन्माननीय तात्या हॉटेल यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। दरम्यान मात्र लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू, पंचांनी मात्र अमंत्र दावा घोषित केली आहे, धावसंख्येत एक धावेची भर पडती आहे, वाढती धावसंख्या पुढे सरकते ती 12 धावसंख्येवर। पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू, दरम्यान स्लोअर चेंडू, फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो, फलंदाज बाद होतोय, बिनॉन्सच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, अगदी सोपा जेल मात्र सहजरित्या त्या ठिकाणी टिपला गेलाय फलंदाज आणि धक्का क्रमांक लागलाय पंढरपूरला संघ, पहिला झटका। सलग 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला
5001 चे पारितोषिक या ठिकाणी आले माननीय श्रीयुत राजाभाऊ झांबरे साहेबांकडून 5001 चे पारितोषिक आले. बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका दिया जाता है. कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के लगाता है, लेकिन फिलहाल होटल तात्या की ओर से हर छक्के के लिए बैट्समैन के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा. नया फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है लंबा और अभी भी चलता हुआ धीरज कोहली नए बल्लेबाज. बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पे ये गेंद बैटर स्ट्रोक लगाना चाहते ऑप्शन के बाहर जाकर ऑनसाइड में मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे. 40 रनों का पीछा किया जा रहा है पंडरपुर टीम की ओर से. और एक बात मैं कहना चाहूंगा राज सर, कालच आमचे सहयोगी समालोचक राज सरांच्या मुलींचा वाढदिवस झाला. बिलेटेड हॅपी बर्थडे दीदी. दीदीला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. तो पहले सचिन माळी कृपया अपन समालोचन कक्षाशी संपर्क करायचा आहे. गोलंदाजीला मात्र आलाय तो दुसरे षटक घेऊन पाहूया. हेलो लक्ष्मण को गेंदबाजी करने के लिए बुला जाता बा. लक्ष्मण गेंदबाजी करेंगे सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर. वहां पर बैटिंग इन पे होंगे स्ट्राइक पर पल्लू बेड़ा स्ट्राइक पर होंगे बैटिंग करने के लिए. सर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक नामचीन क्रिकेटर ऑलराउंडर क्रिकेटर के तौर पर पल्लू बेड़ा को पहचाना जा सकता है. फिर से लक्ष्मण 2 नंबर की जर्सी पहनकर गेंदबाजी करने के लिए छोटे से रनअप के साथ. ये गेंद लेग स्पिन अंदाज की गेंद थी. टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद घूमती हुई गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है. अभी भी रुका बस स्कोर केवल इस वक्त रन संख्या पहुंच रही है 12 रनों की योग पर. तर एसपी सर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी ज्या पद्धतीने पंढरपूरकरांना सुद्धा एक मोठ्या कुंडीत पकडलेलं आहे आणि ते सुद्धा आपण बघितलं की पांढरेवाडी नवनाथ माळींचा संघ या दरम्यान एक फुलटॉस चेंडू स्वीप केलाय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय सीमा पार अपार केसीसी चषक चौकार. या 4 धावांनी धावसंख्येत वाढ झाली. वाढलेली धावसंख्या मात्र 16 1 गडी बाद. तर क्रिकेटमध्ये परत एकदा आपल्याला या ठिकाणी मात्र 17 धावा सॉरी तर परत एकदा या ठिकाणी आपल्याला क्रिकेटमध्ये असं दिसलं की क्रिकेटमध्ये कुणीही बलाढ्य नाही, कुणी लहान नाही, कुणी छोटा नाही. क्रिकेट इज अ इंडिपेंडेन्स गेम. 17 धावा 1 गडीबाद हा चेंडू लखनचा चेंडू मात्र या ठिकाणी विजय उर्फ पल्लू दरम्यान पल्लूला फसवलं. एक काळ होता या सुद्धा खेळाडूचा रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह म्हणून याची ओळख होते. रिव्हर्स स्वीपचा शहनशाह म्हणून या खेळाडूला ओळखलं जायचं. मला वाटतं आपल्या 17 1 गडीबाद आयोजकांना विनंती असेल की पुढच्या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची. इस बार शॉर्टपिच गेंद आई पीछे चले गए. काफी पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ. क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ. इरादा पक्का दे धक्का बल्लेबाज ने मारा है आसमानी लंबा छक्का. हटेल तात्या की ओर से जो छक्के के लिए 100 रुपए के नाम जो डिक्लेयर किया गया था वो 100 रुपए हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुके हैं. और राजू झामरे साहब की ओर से लगातार 3 छक्के अगर बैट्समैन लगाते हैं उनके लिए 5000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा. वहां पर सोलापुर क्रिकेट संघाचे कॅप्टन चला टॉस द्यायचा. इथं सोलापुर क्रिकेट आणि मोडनीम क्रिकेट दरम्यानचा पुढचा सामना असेल. इस बार रिस्क का इस्तेमाल करते हो फ्लिक स्ट्रोक गेला. इस बार टिपिकल टाइमिंग स्ट्रोक निकलता बा. ब्रांडेड स्ट्रोक सूर्य कुमार ब्रांडेड स्ट्रोक केएल राहुल जिस अंदाज में छक्का लगाते हैं उन्हीं के अंदाज का ये जबरदस्त स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए. इतकेच केएल राहुल सर अपन केएल राहुल ची दुपारी फटकेबाजी पाहिली. एक उत्कृष्ट शतक पाहिलं आणि सुरुवात मात्र टेस्ट क्रिकेट प्रमाणे झालेली होती परंतु नंतर T20 चा धमाका केएल राहुलने दाखवून दिला. भारतीय संघ तसंच अडचणीत आला होता बांगलादेश विरुद्ध पावसामुळे विशेषतः
फिर से गेंदबाजी करने के लिए अगली गेंद पर अगर छक्का आता है राजू झामरी की ओर से 5,000 रुपए, ये देखिए 5,000 छूक गए वापर, 5,000 छोड़े आपने, मौके बार बार नहीं मिलते ऐसे मौके, ये मौका गया वापर। बोलो उर्फ विजय नक्की धाव संख्या या ठिकाणी या षटकाच्या समाप्ती नंतर 29 एकडी बाद सोलापूर विरुद्ध या ठिकाणी मात्र एमसीसी 11 मोडनीमच्या दरम्यान सामना आहे। सोलापूर मला वाटतं धमाका 11, चला दोन्ही कॅप्टन एमसीसीचे कॅप्टन दाखल झाले, सोलापूर संघाचे कॅप्टन चला टॉस कडे यायचा आहे। मी विनंती करेन हरीश थोरात साहेब, संदेश रोंगे साहेब किंवा नागेश भाऊ, तिघापैकी कोणी जे कॅप्टन असतील त्यांना ताबडतोब इकडे पाठवायचं आहे टॉस करण्यासाठी। संभाजी केत किंवा जॉन्टी महाराष्ट्र पोलीस हरीश थोरात साहेब, चला उरका लवकर कोणाला तरी जे कॅप्टन तुमचे असतील त्यांना पटकन इकडे पाठवून द्या टॉस साठी, कारण आयोजक बराच वेळ झाले या ठिकाणी ताटकळलेले आहेत। आणि आमचे माननीय श्रुत सोमनाथ राजपूत साहेब मुंबई पोलीस आणि ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बॉलचं सौजन्य लाभलेलं आहे त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या सामन्याचा टॉस होईल। नया ओव्हर लेकर गेंदबाजी करने के लिए टीम का स्कोर इस वक्त अभी भी रुकावट 29 रनों की योग पर, जीतने के लिए केवल 11 कदम दूर है पंडरपुर टीम। फिर से बहुत बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा गेंद के बाद सीधी रहती गेंद, बैट्समैन बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड भी गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली जा रही है। और अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे लगभग 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिर से शॉर्ट गेंद आई, पीछे जाकर पुल मारने की कोशिश, लेकिन जो फील्डिंग का जाल रखा था उस जाल में मछली फंस रही है, यानी कि बल्लेबाज का बिगेज जाता हुआ यहां पर। थोड़ी सी शॉर्टर प्लेन गेंद थी, समय बहुत था पीछे जाकर पुल खेलने के लिए, लेकिन जो जाल रखा था फील्डर ने उस जाल में फंस गए खिलाड़ी और बिगेज जाता हुआ टीम के लिए लगने वाला ये दूसरा झटका। तो अभी भी देखना है नया मैच था। आगे सर टीम से नाव गए नॉर्थ सोलापुर, नॉर्थ सोलापुर शायद से तालुकात रखने वाले सभी खिलाड़ी और उनके साथ में मुन्नीम क्रिकेट टीम के सुहास चवान सर वहां पर टॉस के लिए, दोनों कप्तान यहां पर आ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं। तो सौरभ भारले नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पे, अच्छी गेंद इस बार गेंद के करीब चले गए, जैसे स्ट्रोक खेला यहां पर रनआउट का मौका बन सकता है। और देखिए जब तक की गेंद थ्रो दिया जाता हुआ नीचे दी वापिस भेजा सौरभ को यहां पर धीरज कोहली ने वहां पर। और हमें जाने माने गेंदबाज यानी कि रफ्तार के बेताज बादशाह दिलीप भोसले भी यहां पर आए हैं टीम में मैच खेलने के लिए। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गेंद तैयार है, ओ बहुत अच्छी गेंद, ये गेंद जाकर बिल्कुल स्टंप को चक्कर मार रही है गेंद, वहां पर स्टंप के बाजू से घूम रही है गेंद। फिर से बहुत लाजवाब ओवर चलता हुआ गेंदबाज नागेश, नागेश की गेंद पर सीधा मारा गेंद को बॉलर के पीछे, गेंद को खेलना चाहते थे अपने ही फलत्र में, गेंद को रोका जाता हुआ फील किया जाता हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन नागेश की ओर से इस ओवर में किया जाता हुआ, बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ कर रखा जाता हुआ, बल्लेबाजों को बांध कर रखा जा रहा है। तो इस बार ये गेंद जाती बिल्कुल स्पर्लेक क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, इस बीच एक रन लेने का मौका मिलता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है केवल 30 रनों की योग पर। एसपी सर इथं आपण टॉस घेऊया पुढच्या सामन्याचा, माननीय श्रुत सोमनाथ राजपूत साहेब मुंबई पोलीस आणि ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी बॉलचं सौजन्य लाभलंय, तसेच आमचे माननीय श्रुत गणेश अरणकर साहेब आणि राजाभाऊ सोनार, हॅलो सोनार साहेब, हॅलो राजाभाऊ सोनार आणि गणेश आरणकर साहेब यांच्या उपस्थितीत सोमनाथ राजपूत साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या सामन्याचा टॉस होतोय।
कटने या ठिकाणी आलेले राजपूत साहेब प्लीज सर्व मान्यवर या ठिकाणी। ओहो इस बार काफी करारा स्ट्रोक निकलता भाई, ये गेंद को भेजा है तारा मंडल पर 6 रन के लिए। वहां पर एक जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता बा, नजाकत भरा स्ट्रोक निकलता बा। इस छक्के के लिए बैट्समैन को होटल तात्या की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहां पर जीत की अगर बात करना चाहेंगे, लगभग जीतने के लिए रन चाहिए केवल। कैमरामैन साहब थोड़ा सा आए उधर है, ठीक है। छपा एमसीसी का कॉल है, अरे अभिनंदन एमसीसी मोड नेम काय करूया प्राज जिंकून साहेबांच्या सामन्यात नंतर सांगायचं आहे, ठीक आहे हरकत नाही। ओके साहेब ठीक आहे, तर थोडा वेळ पाहिजे। फिर से गेंद टप्पा करने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है, शायद आगे के मैच के लिए टॉस टबॉस यानी कि टॉस का सिकंदर बन रही है। टॉस जो आज किया जा रहा है, हमें टूर्नामेंट के बॉल की जो स्पॉन्सरशिप मिली है, बॉल के लिए जो सहकार मिला है माननीय श्री सोमनाथ जी राजपूत मुंबई पुलिस, इनके शुभ हाथों से अभी अभी टॉस यहां पर हुआ चुका है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद निश्चित ही बैट बॉल का इशारा आता बा, बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 37 रन की योग पर। दरमियान आमचे माननीय श्री दत्ता पेटकर शिवसेना अध्यक्ष त्यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, स्वागत करूया माननीय श्री दत्ता पेटकर, वेलकम। जाऊया मैदानात, या ठिकाणी 40 धावाचा रन चेस, पुढील सामना सोलापूर उत्तर सोलापूर 11 उत्तर सोलापूर, जो म्हणजेच आपण ज्यांना मगाशी धमाका सोलापूर म्हणत होतो, सामना 6 षटकाचा आणि एमसीसी मोडनीम शहर असा सामना या ठिकाणी होणार आहे। तर मुन्नाराजे मोरे यांचं परत स्वागत करूया सरपंच। तेवीस गेंद को आसमान में काफी ऊंचा मारा, फील्डर नीचे है, जोखिम भरा हो सकता है, पकड़ लिया कैच, शानदार कैच, खूबसूरत कैच, ये जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। सौरभ बारलीची ही महत्वाची विकेट इथं, एकूणच धाव संख्या 37 अशी 37, 3 धावाची गरज आहे सामना जिंकायला, 40 धावा आव्हान आहे। तर नवीन फलंदाजाची एंट्री होते, कोण येते पाहूया, पलोमेडा विशाल, विशालला मात्र हे यश। तर नवीन फलंदाज कोण येते, सोनू, सोनू माझ्यावर भरोसा नाही का, मैदानात आलेलं आहे बघूया कशा पद्धतीनं भरोसा दाखवणार आहे, केवळ 3 धावाची तर गरज आहे हा सामना जिंकायला। प्रेक्षकांना विनंती असेल, जे प्रेक्षक कंपाऊंड झालरच्या कुंपणाच्या आत आलेत त्यांनी कृपया पलीकडे जा, हवे चेंडा झेल, बहुत बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जाता है, और एक सफलता यहां पर मिल रही है टीम के लिए लगा, और एक झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा है। बाजूला सुद्धा एमसीसी केसीसी चा जो डिजिटल लावलेला आहे, दोन दोघ जण कुणीतरी क्रिकेट आणि थांबू नका, पुढे विकेट कीपरच्या मागे जे प्रेक्षक उभारले तुम्हाला विनंती असेल की कृपया आपण ग्राउंडच्या बाहेर थांबायचं, ग्राउंडच्या बाहेर थांबा। सवाल लिख दिए, गेंद तैयार है, ये गेंद खराब गेंद मिली, रिवर्स स्ट्रोक खेला इस बार, लेकिन अंपायर का इशारा क्या आता है, ये 2 रन का इशारा आता हुआ। हेलो हेलो पलंद बंडरपुर बैट्समैन का नाम संगा हनुमान, तीन धावाची अजून गरज आहे सामना जिंकायला, षटक संपले ते षटक मात्र क्रमांक 4 आणि 2 धावाची अजून गरज। या दरम्यान माननीय श्रुत अधिनाथ मालक देशमुख साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले, आपल्या सर्वांच्या वतीनं माननीय श्रुत अधिनाथ मालक देशमुख साहेबांचं सहर्ष स्वागत, सरपंच संघटना जिल्हाध्यक्ष सोलापूर आणि आपल्या स्पर्धेचे
अगदी मोठे आधार स्तंभ आपल्या स्पर्धेचे मार्गदर्शक. सहर्ष स्वागत माननीय श्रीयुत आदिनाथ मालक देशमुख साहेब तसेच आमचे संतोष भाऊ धोत्रे. वेलकम प्लीज सहर्ष स्वागत. तर या ठिकाणी पुढच्या सामन्याची नाणेफेक मुन्नीम संघाच्या बाजूने लागली. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय पुढच्या सामन्यामध्ये. तो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला मुन्नीम की ओर से. बड़ा स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड बिगिन को मारा. गेंदार के स्क्वायर लेग क्षेत्र में निकलती गेंद. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. रन लेने की कोई दिलचस्पी बैट्समैन नहीं दिखा रहे और अभी भी रुका हुआ स्कोर वहां पर जीतने के लिए केवल तीन कदम दूर. तीन रन चाहिए. पल्लुमेड़ा आणि नागेश नागेश गोलंदाज आणि हनुमान मात्र पल्लुमेड़ाचा जोडीदार आहे हनुमंत. इस बार ये फिर और ये देखिए क्रिकेट में आप कैजुअल खेलेंगे तो इस तरह से ही होगा. दो बार ऐसा हो रहा था कि रन हो रहे थे वहां पर रन नहीं लिया. नतीजा भी गिर जा रहा है वहां पर. नागेश खतरनाक मात्र यॉर्क पल्लुमेड़ा क्लीन बोर्ड तीन तार त्रिफड़ा. वैसे देखा जाए तो राज सर दो बार ऐसा चला था गेंद बाउंड्री तक चली गई लेकिन एक भी रन नहीं दौड़ा है बैट्समैन ने. कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए घातक हो सकता है. नक्कीच अशा पद्धतीने आपण कृत्य करणं योग्य दिसत नाही. ज्यावेळेस आपल्याला संधी आहे मैदानात धाव घ्यायची त्यावेळेस आपण धाव घेतली पाहिजे जेणेकरून एक स्टेप का असेना परंतु तुम्ही पुढच्या आणि वरच्या दिशेनं चढताय तर त्या ठिकाणी तुम्ही मात्र जागेवर थांबणं म्हणजे तुमची प्रगती थांबलेली आहे. आणि आपल्याकडे मराठीत म्हण आहे थांबला तो संपला क्रिकेट राजा थांबला तो संपला. सनी गावस्कर साहेबांची कविता आहे. थांबून चालत नाही. इथं सिंगल दोन इथे घेतल्या असता तर नक्की स्कोर लेवल होता. नितीन मेडा चलिए आता 39 धावा झाल्या 40 करायचे आहेत. सध्या पहा 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. नितीन मेडा खिलाडी है बहुत बड़ा सोडवला मात्र या ठिकाणी विजयाचा तिडा आणि चेंडूने क्रॉस केली लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइनची कडा कडक प्रहार आणि या मात्र विजय षटकारासह या ठिकाणी सामना संपला. केसीसी ग्रुप करगम षटकार आणि एकूणच बघा. चला नितीन कृपया आपलं बक्षीस घेण्यासाठी यायचं. नितीन मेडा षटकार 100 रुपये. सौरभ बार्ले यांनी देखील मला वाटतं एक षटकार मारला. त्यांना देखील विनंती आहे की कृपया आपलं बक्षीस घेण्यासाठी यायचंय. षटकार मारणाऱ्या फलंदाजासाठी ज्या फलंदाजांनी षटकार मारलेलं आहे त्या सर्व फलंदाजांनी माझ्याकडे येऊन पैसे घेऊन जायचे आहेत.